जय बाबा केदारनाथ। अगर आप भी बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले हैं और आपके मन में कुछ सवाल बाकी हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या है सबसे आसान और सस्ता तरीका केदारनाथ धाम यात्रा का। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं बाबा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम देहरादून से 245 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं हरिद्वार से भी 245 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश से बात करें तो 208 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ धाम। मैं आपको सबसे सस्ता और आसान तरीका बताने वाला हूं बाबा केदारनाथ धाम यात्रा का, तो हरिद्वार ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन जाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस मंथ में जाना चाहिए, किस मंथ में जाना आसान और सस्ता रहेगा। केदारनाथ धाम यात्रा मई महीने से शुरू होकर दीपावली तक चलती है। आप मई से लेकर दीपावली तक कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सस्ती और आसान यात्रा चाहते हैं तो जुलाई, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। मई और जून के महीने में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, जिस वजह से वहाँ के होटल, खच्चर, पालकी, ढाबे, ट्रांसपोर्टेशन सभी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात हुई जाने के बेस्ट समय की। लेकिन जाने से पहले एक यात्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, चलिए आपको वो बताते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। पहले मैं ऑनलाइन का तरीका आपको बताऊंगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट दी गई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना होगा। सिंपली आपका नाम, फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी डिटेल फिल करनी होगी कि आप किस धाम की यात्रा करने वाले हैं, आप कितने लोग हैं, किस डेट में आप यात्रा करने वाले हैं। वो सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये ही एक कंपलसरी प्रोसीजर है। किसी भी तरह की कोविड टेस्ट रिपोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की भी अब जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रख सकते हैं, अगर कोई मांगता है तो आप दिखा सकते हैं। बात करें कि कितने लोग केदारनाथ धाम दर्शन करने आ सकते हैं, तो उसकी लिमिट है। केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, वहीं यमुनोत्री में 4,000 लोग एक दिन में दर्शन करने आ सकते हैं। साल 2021 की बात करें तो केदारनाथ धाम में 800 लोग, बद्रीनाथ धाम में 1200 लोग और गंगोत्री में 600 लोग और वहीं यमुनोत्री में मात्र 400 लोगों को परमिशन दी गई थी एक दिन में दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार किसी भी तरह के स्लॉट बुकिंग आपको नहीं करनी है। सिंपली एक वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किसी भी धाम की यात्रा करने जा सकते हैं। एक व्यक्ति 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी अगर आपका ग्रुप 5 लोगों का है तो किसी एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना होगा, 5 लोगों की डिटेल वहाँ फिल हो जाएगी। अगर आपका ग्रुप 5 लोगों से ज्यादा है तो आपको 2 ग्रुप बनाने पड़ सकते हैं। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसीजर हुआ रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में ऑफलाइन काउंटर भी बनाए गए हैं, वहाँ जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जाए कैसे, क्या है सस्ता और आसान तरीका केदारनाथ धाम यात्रा का। मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूँ, तो बात करते हैं हरिद्वार से। वैसे आप फ्लाइट से देहरादून तक आ सकते हैं, वहाँ से भी आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सस्ती यात्रा की, तो आप हरिद्वार आ जाइए। और हरिद्वार रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सीधे तौर पर पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से आप चाहे तो टैक्सी हायर कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाएगी। आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शेयर टैक्सी भी आपको हरिद्वार से केदारनाथ के लिए यानी सोनप्रयाग के लिए नहीं मिल पाएगी। आपको रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा और रुद्रप्रयाग से आपको आगे के लिए दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी अगर आप शेयरिंग बेसिस पर आना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप बस से आ जाइए। बस से सबसे आसान और सस्ता तरीका है। हरिद्वार से सुबह 5 बजे के आसपास से बस चलती हैं, जिसमें 3-4 बसेस हैं जो सुबह 5 बजे, 5:30 बजे और 6 बजे के आसपास चलती हैं। बसेस में किराया 700 रुपए से 800 रुपए तक का है।
समय लगता है करीब 10 घंटे का। इन बसेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही बुकिंग की जा सकती है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में बस पकड़ने का मतलब है कि आपको या तो एक दिन पहले हरिद्वार आना पड़ेगा या फिर आप नाइट में या फिर लेट नाइट हरिद्वार पहुंच जाइए और सुबह मॉर्निंग में बस पकड़ लीजिए। ये सबसे सस्ता तरीका रहेगा आपकी केदारनाथ यात्रा का। 245 किलोमीटर का ये सफर बहुत यादगार रहेगा, खूबसूरत नजारों से भरा हुआ रहेगा। बस एक बार लंच के लिए भी एक जगह रुकती है, वहाँ आप लंच कर सकते हैं। चलिए रास्ते में पड़ने वाले कुछ प्रमुख शहर कुछ गांवों के बारे में आपको बताते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश आप पहुंचेंगे, करीब 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहीं ऋषिकेश से देवप्रयाग 72 किलोमीटर है। देवप्रयाग के बाद आता है श्रीनगर जो 36 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीनगर से 33 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर आप तिलवाड़ा पहुंचेंगे। अगर आप चारधाम यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री जाने का प्लान बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां पर स्टे करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तिलवाड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त मुनि और अगस्त मुनि से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त काशी। गुप्त काशी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हेलीपैड भी है। अगर आप बाबा केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो गुप्त काशी से भी आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर का किराया है करीब 7,750 रुपए एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप में। अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना चाहते हैं तो गुप्त काशी से भी कर सकते हैं, आपको गुप्त काशी रुकना पड़ेगा। गुप्त काशी से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर नारायण कोटी नाम का एक गाँव आता है। नारायण कोटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आप अपनी गाड़ी बाइक कार या कुछ भी लेकर आते हैं तो नारायण कोटी में ही आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद कोई दूसरा पेट्रोल पंप आगे नहीं है। और नारायण कोटी से केदारनाथ सोनप्रयाग की दूरी करीब 30 किलोमीटर है, उस 30 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। नारायण कोटी से करीब 11 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो आता है फाटा। फाटा में भी एक हेलीपैड है, वहां से भी हेलीकॉप्टर के थ्रू केदारनाथ यात्रा की जा सकती है। वहां पे हेलीकॉप्टर का किराया रहता है 4,720 रुपए राउंड ट्रिप में। और फाटा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर सिरसी नाम का एक और गांव आता है। सिरसी में भी एक हेलीपैड बना हुआ है, वहां से भी केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू की जा सकती है। वहां पर किराया है 4,681 रुपए राउंड ट्रिप में। तो कुल 3 हेलीपैड है, गुप्त काशी, फाटा और सिरसी। सबसे ज्यादा श्रद्धालु फाटा से हेलीकॉप्टर ट्रिप करते हैं, लेकिन आप चाहें तो गुप्त काशी या सिरसी से भी हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकते हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। सिरसी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर आता है और सीतापुर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ही लास्ट डेस्टिनेशन है। सोनप्रयाग से आगे आप ना तो बस के थ्रू जा सकते हैं ना ही अपनी कार बाइक के थ्रू जा सकते हैं। सोनप्रयाग ही लास्ट डेस्टिनेशन है जहां तक आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, बस भी आपको सोनप्रयाग में ही ड्रॉप करेगी। तो ये तो बातें हुई हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने की, अब आगे की बातें करते हैं। देखिए अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो सोनप्रयाग में कार पार्किंग बनी हुई है, काफी बड़ी कार पार्किंग है। सोनप्रयाग में भी है, सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में भी काफी बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है। कार पार्किंग के शुल्क की मैं बात करूं तो बाइक से चार्ज किया जाता है एक दिन का 100 रुपए, कार से चार्ज किया जाता है 150 से 200 रुपए, अगर आपके पास टेम्पो ट्रैवलर है तो 300 से 400 रुपए एक दिन का पार्किंग शुल्क है। अगर आप बस से आए हैं तो सुबह 5:30 बजे हरिद्वार से चलने वाली बस 3 या 4 बजे तक आपको सोनप्रयाग ड्रॉप कर देंगी। सोनप्रयाग का टेम्परेचर दिन में करीब, मैं मई जून के महीने की बात कर रहा हूँ, तो दिन में करीब 22 से 25 डिग्री की सेल्सियस के आसपास रहता है। वहीं रात में टेम्परेचर घटकर 10 से 15 तक पहुंच जाता है। ये बातें हुई सोनप्रयाग पहुंचने तक। अब बात करते हैं कि सोनप्रयाग पहुंचने के बाद रुकना कहाँ है। देखिए सोनप्रयाग में भी काफी सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, आप चाहे तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं, आप चाहे तो गौरीकुंड जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसके लिए शेयर्ड बुलेरो वहां पर चलती है, उनके थ्रू जा सकते हैं। कैसे जाएंगे वो डिटेल भी मैं अभी आपको आगे दे दूंगा। पहले बात करते हैं कि सोनप्रयाग में होटल्स वगैरह कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, सस्ता कौन सा है, क्या क्या फैसिलिटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सोनप्रयाग में रुकने के लिए ऑप्शन है आपके पास 3। आप चाहे तो प्राइवेट होटल ले लीजिए जिसमें किराया 500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक रहता है। 500 से 4000 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ते रहते हैं। मई जून में पीक सीजन रहता है, ज्यादा भीड़ रहती है तो किराया बढ़ जाता है। वहीं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात करें तो किराया काफी डाउन हो जाता है। GMBN के भी कुछ होटल्स और डॉर्मेट्री वहाँ पर हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल है। कुछ प्राइवेट डॉर्मेट्री भी वहाँ पर बने हुए हैं, हॉल्स वगैरह हॉल वगैरह बने हुए हैं जो 200 रुपए चार्ज करते हैं एक व्यक्ति का, जिसमें गद्दे तकिए और रजाई वो प्रोवाइड करते हैं। क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी सोनप्रयाग में है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है और आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो आप रूम से चेकआउट कर चुके हैं तो आप सोचेंगे कि आपका एक्स्ट्रा लगेज आप कहाँ रखेंगे, तो वहाँ पर क्लॉक रूम बने हुए हैं, वहाँ पर आप आपका एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं।
एक बैग का एक दिन का 50 रुपए वो चार्ज करते हैं। ये बातें हुई सोनप्रयाग में नाइट स्टे की। अब बात करते हैं कि फूड कैसा है सोनप्रयाग में, फूड फैसिलिटी कैसी रहेगी, खाना पीना कैसा रहेगा। देखिए सोनप्रयाग में आपको टोटली वेजिटेरियन फूड मिलेगा और वो भी बहुत बेसिक क्वालिटी का। बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड खाना आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगा, तो ये सोचकर कभी मत आइएगा, बहुत ही बेसिक खाना आपको वहाँ पर मिल पाएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आए हैं, जो सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑनलाइन करके आए हैं तो आपको सोनप्रयाग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे गौरीकुंड और फिर वहां से केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए निकल सकते हैं। बट अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में करवाना पड़ेगा। अब वहां पर समस्या ये है कि मान लीजिए उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो आपका काफ़ी समय रजिस्ट्रेशन में ही बर्बाद हो जाएगा, तो अब बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आइए, फिर आप बेफिक्र यात्रा पर निकल सकते हैं। वैसे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका भी वेरिफिकेशन होगा, एक बारकोड जनरेट होता है, वो बारकोड स्कैन किया जाएगा, उसके बाद आपको यात्रा के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय आपका खर्च हो सकता है। इसके अलावा कुछ बात करते हैं खरीदारी से संबंधित। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं जैसे जैकेट, कैप, ग्लव्स, रेनकोट, अम्ब्रेला एक्सेट्रा कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में काफ़ी ठीक ठाक मार्केट है, आप वहां से खरीद सकते हैं। आप चाहें तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन सोनप्रयाग में अच्छे ऑप्शन है, रेट गौरीकुंड के कंपैरिजन में सोनप्रयाग में थोड़ा लो रहेगा। वैसे ये सारी शॉपिंग आप गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग या अगस्त मुनि से भी कर सकते हैं और एक नाइट स्टे आपको सोनप्रयाग करना। नेक्स्ट डे आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है करीब 5 किलोमीटर। जाने के तरीकों के बारे में आपको बताता हूँ, एक तरीका तो पैदल है, लोग पैदल भी जाते हैं 5 किलोमीटर, जिसमें 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। खच्चर के थ्रू भी जा सकते हैं, खच्चर वाले जो गौरीकुंड से केदारनाथ चलते हैं वही खच्चर वाले आपको सोनप्रयाग में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 2500 से 2600 के आसपास चार्ज करते हैं, जो गवर्नमेंट रेट है। लेकिन तीसरा ऑप्शन है जो काफ़ी बेस्ट है, वो है टैक्सी। वहाँ पर शेयर टैक्सी चलती हैं, बोलेरो चलती हैं, जिसमें 30 से 40 रुपये किराया लिया जाता है एक व्यक्ति से और आधे घंटे का समय लगता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड वो ड्रॉप करेंगे। लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत लंबी लाइन लगती है, तो अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी आप उठ जाएं 4 बजे 5 बजे आप लाइन में लग जाइए। सुबह 4-5 बजे ही टैक्सी शुरू हो जाती है। जितना जल्दी आप सुबह लग जाएंगे उतना जल्दी आपका नंबर आएगा और उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको ट्रैकिंग में। ये बात आप नोट कर लीजिए और याद रखिए, ये फायदा आपको आगे मिलेगा। जितना जल्दी आप ट्रैकिंग वाले दिन सुबह उठकर टैक्सी की लाइन में लग जाएंगे सोनप्रयाग, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा उस दिन। तो आधे घंटे का समय लगेगा और आप टैक्सी से सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर का ये सफर भी बहुत शानदार, खूबसूरत नजारों से भरा रहेगा। अब आप गौरीकुंड पहुंच गए हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद श्री बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। दूरी 16 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जब पैदल चलते हैं तो पता चलता है कि दूरी 16 नहीं 21 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन पैदल यात्रा से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। गौरीकुंड में एक तप्त कुंड भी है जहाँ से गर्म पानी निकलता है। कुछ लोग वहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद बाबा केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। तो अगर आप भी स्नान करना चाहते हैं तप्त कुंड में तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले गौरीकुंड ही आ गए, आपका नाइट स्टे गौरीकुंड में ही रहा, तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आप तप्त कुंड में स्नान कीजिए और अपना लगेज क्लॉक रूम में सबमिट कीजिए। गौरीकुंड में भी आपको क्लॉक रूम मिल जाएंगे, 50 रुपए वो चार्ज करेंगे एक बैग का एक दिन का, तो आप आगे की यात्रा फिर निकल सकते हैं। लेकिन जो लोग बस से आए हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो सोनप्रयाग में ही स्टे करें, ताकि रिटर्न जाने में उनको आसानी हो जाए। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग की। देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 16 किलोमीटर का ट्रैक है जो लगभग 21 किलोमीटर रहता है जब पैदल ट्रैक करते हैं। तरीके हैं 4। पहला है हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल दे चुका हूँ। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, इन 3 जगहों पर हेलीपैड है जहाँ से आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। रेट में आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा ऑप्शन है खच्चर। खच्चर वालों का जो गवर्नमेंट रेट है वो है 2300 रुपए गौरीकुंड से केदारनाथ तक का। वहीं सोनप्रयाग से अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो 2500 रुपए किराया, और रिटर्न आते वक्त केदारनाथ से गौरीकुंड तक खच्चर वाले चार्ज करेंगे 1500 रुपए, और अगर आप केदारनाथ से सीधे सोनप्रयाग आना चाहते हैं तो 1700 रुपए चार्ज करेंगे। ये है गवर्नमेंट रेट खच्चर का। लेकिन जब सीजन ज्यादा होता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो वो लोग मनमानी करते हैं, गवर्नमेंट रेट ताक पे रख दिया जाता है और घोड़े वाले गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 4000 से लेकर 6000 रुपए तक चार्ज करते हैं, और लोग मजबूरी में देते भी हैं। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट रेट फिक्स है वही रेट आपको मिलेगा। कभी कभी वो 4000-6000 तक भी पहुंच जाता है, और कभी कभी सितंबर अक्टूबर के मंथ में हमने देखा है कि वो 2300 रुपए से घटाकर 1200-1500 रुपए तक भी पहुंच जाते हैं। तो कोई फिक्स रेट नहीं है, डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है। इसके अलावा पालकी का भी ऑप्शन, आप चाहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ पालकी के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपका वेट 75 किलो तक है तो
4,550 रुपए वो चार्ज करेंगे और 90 केजी के 5,050 रुपए वो चार्ज करते हैं। और राउंड ट्रिप करना चाहते हैं तो 75 किलो तक के लोगों को 7,950 रुपए पे करने पड़ेंगे राउंड ट्रिप में और 90 केजी वालों को 8,450 रुपए पे करने होंगे राउंड ट्रिप में। इसके अलावा कंडी का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास लगेज ज्यादा है या फिर बच्चे आपके साथ हैं तो आप कंडी भी ले सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ 25 किलो तक का वेट है तो 1500 रुपए वो चार्ज करेंगे और अगर 50 किलो तक का वेट है तो 2900 रुपए वो चार्ज करते हैं। तो ये सारी डिटेल होती हैं खच्चर, पालकी और कंडी की। चौथा ऑप्शन है आपके पास, पैदल आप ट्रैकिंग करने निकल जाइए। पैदल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि फुल एंजॉय, फुल एंटरटेनमेंट, फुल एडवेंचर, फुल मस्ती आप करना चाहते हैं तो पैदल ट्रैकिंग करिएगा। आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो पैदल ट्रैकिंग करिएगा। आप अच्छी वीडियोज वहाँ बनाना चाहते हैं तो आप पैदल ट्रैकिंग करिएगा। पैदल ट्रैक करने का फायदा ये है कि आप व्यूज ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, फोटोग्राफी आप अच्छी कर पाएंगे, वीडियोग्राफी अच्छी कर पाएंगे और फुल एंजॉय आप पूरे ट्रैक में कर पाएंगे। ट्रैक की डिफिकल्टी की मैं बात करूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ट्रैकिंग रूट बाबा केदारनाथ धाम का। 16 किलोमीटर का ये सफर जीवन का एक यादगार सफर रहता है, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बनकर रह जाता है, एक लाइफ टाइम मेमोरी बनकर रह जाता है। रास्ते में बहुत सारे पड़ाव भी हैं, जैसे जंगल चट्टी गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर की दूरी पर भीमबली है और भीमबली से 1 किलोमीटर की दूरी पर आता है रामबाड़ा और रामबाड़ा से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छोटी लिंचोली आता है। छोटी लिंचोली से करीब 1.5 किलोमीटर के बाद बड़ी लिंचोली और वहीं 4 किलोमीटर के बाद केदारनाथ धाम बेस कैंप आप पहुंचेंगे। इन सभी पड़ाव पर आपको खाने पीने के लिए अच्छे ढाबे देखने के लिए मिल जाएंगे जहां आपको मैगी, पराठा, चाय, कॉफी अवेलेबल हो जाएगी। टॉयलेट की सुविधा पूरे ट्रैकिंग रूट पर आप जगह जगह देखेंगे। पीने के पानी की भी आपको अच्छी सुविधा जगह जगह मिल जाएगी। कुछ जगह तो ऐसे हैं जहां पर फ्री वाईफाई जोन है, जैसे भीमबली, लिंचोली, जहां आप फ्री वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे यह यात्रा बहुत शानदार और यादगार अनुभव देती है। जगह जगह आप वाटरफॉल देखेंगे, जगह जगह आप स्नो देखेंगे, जगह जगह आप ग्लेशियर देखेंगे। सभी पड़ाव पर आपको मेडिकल सुविधा मिल जाएगी तो किसी भी तरह की असुविधा आपको रास्ते में नहीं होगी अगर आप पैदल ट्रैकिंग भी कर रहे हैं तो। समय की अगर मैं बात करूं तो करीब 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है पैदल ट्रैकिंग में, बाकी आप डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। लेकिन 16-17 किलोमीटर का, 16 से 20 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता बहुत बहुत शानदार रहता है। अब बात करते हैं कि ट्रैकिंग के दौरान क्या क्या आपके साथ होना चाहिए, क्या क्या आपको साथ ले जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जरूरी है एक मेडिसिन किट, वो आप जरूर से लेकर जाइएगा। गर्म कपड़े आप अपने साथ रखिएगा, आप चाहे मई में जाएं, आप चाहे अक्टूबर में जाएं, किसी भी मंथ में जाएं, आपको गर्म कपड़े, कम से कम एक जैकेट अपने साथ रखनी होगी क्योंकि केदारनाथ धाम में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। वाटर बोतल आप अपने साथ जरूर कैरी कीजिएगा। रेनकोट, अम्ब्रेला आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो, क्योंकि केदारनाथ धाम में कोई भरोसा नहीं रहता ट्रैकिंग में कब कैसा मौसम हो जाए, कब बारिश शुरू हो जाए, तो अगर आप चाहें तो रेनकोट और अम्ब्रेला अपने साथ रख सकते हैं। शूज पहनकर ही ट्रैकिंग करिएगा, बहुत आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा कंफर्टेबल ट्रैक पैंट अगर आप पहनेंगे तो आप बहुत ज्यादा आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। स्किन टाइट कपड़े अगर पहनेंगे तो आपको उतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं कि ट्रैकिंग पर जाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की ओर जा रहे हैं, मतलब निचले इलाके से ऊंचाई वाले इलाके में जा रहे हैं, आप हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं, तो ऐसे में माउंटेन सिकनेस होना, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसमें सर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना या घबराहट होना या फिर उल्टी आना जैसे कुछ एक्यूट लेवल पर सिम्टम्स होने लगते हैं। क्योंकि केदारनाथ धाम की बात करें तो समुद्र तल से करीब 11,656 फीट की ऊंचाई पर है। इससे बचने के लिए आप पानी लगातार पीते रहिए। ट्रैकिंग के दौरान आप पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। स्नैक्स आप खाते रहिए, हो सके तो आपके साथ पॉपकॉर्न रखिए। पॉपकॉर्न खाने से माउंटेन सिकनेस में काफी राहत होती है। मेडिसिन किट आप जरूर रखिएगा। दूसरी बात, हाई बीपी, शुगर और अस्थमा के पेशेंट को पैदल यात्रा करने अवॉइड करना चाहिए। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि पैरों के नाखून जरूर काट कर जाइएगा, क्योंकि जब आप केदारनाथ से वापस गौरीकुंड की तरफ आएंगे ना पैदल, तो जितनी कठिन वो चढ़ाई है ना उतनी कठिन वो उतराई भी है, तो उतरते वक्त आपके पंजे आपके शूज से टकराएंगे और आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा अगर आपके नाखून कटे हुए नहीं होंगे, तो नाखून काट कर जरूर जाइएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफी लोगों को मैंने देखा है जो ये शिकायत करते हैं नीचे। आप इस खूबसूरत यात्रा को करते हुए पहुंचेंगे बाबा
केदारनाथ धाम में, और ये पूरा एक्सपीरियंस आपके जीवन का एक बहुत यादगार मेमोरी बनकर रह जाएगा। बात करते हैं केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद क्या करें। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एडवाइस दूंगा कि केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आप सबसे पहले रुकने का इंतजाम कीजिए। होटल्स की वहाँ बात करें तो 1,000 रुपए से 6,000 रुपए है चार्जेस। कारण वही है सीजन का, भीड़ ज्यादा होगी तो होटल के चार्जेस बढ़ जाते हैं, भीड़ कम होगी तो होटल सस्ते भी मिल जाते हैं। GMBN की हट्स भी वहाँ पर बनी हुई है, 8-bedded हट है जिसमें एक व्यक्ति का एक बेड का 900 रुपए चार्ज लिया जाता है। कुछ GMBN के कैंप भी वहाँ पर हैं जिसमें एक व्यक्ति का 400 रुपए चार्ज लिया जाता है। स्लीपिंग बैग दिया जाता है, फ्लोर पर ही लेटना पड़ता है। केदारनाथ धाम में लिमिटेड होटल्स हैं, बहुत ज्यादा होटल्स नहीं है। अगर आप घोड़े से यात्रा कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग यात्रा करके आप वापस भी आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने वाले तो सेम डे ही वापस आ जाते हैं। तो अगर आपका रुकने का मन नहीं है तो आप खच्चर से जाइए और खच्चर से वापस भी आ सकते हैं। जितना मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि रुकने के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज केदारनाथ धाम में नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी कभी कभी हो जाता है। फूड की बात करते हैं केदारनाथ धाम में। देखिए, केदारनाथ धाम में कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें से एक है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जो GMBN द्वारा ही चलाया जा रहा है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट 100 रुपए का और लंच और डिनर 200 रुपए में सर्व किया जाता है। सिंपल पूरी सब्जी दाल चावल खाने में दिया जाता है। और वहीं ब्रेकफास्ट की बात करें तो उसमें भी पूरी सब्जी और कुछ मीठे में खीर या हलवा सर्व किया जाता है। कुछ 2-3 प्राइवेट ढाबे भी वहाँ अब बन चुके हैं जिसमें बेसिक वेजिटेरियन फूड आपको मिल जाए। बात करते हैं केदारनाथ धाम में दर्शन की, कि दर्शन किस समय करना बेस्ट रहेगा और क्या क्या वहाँ पर दर्शन का प्रोसीजर है। देखिए, सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक आप केदारनाथ धाम में दर्शन करने जा सकते हैं। आरती के समय की बात करें तो सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे के आसपास आरती होती है और शाम को 6 बजे आरती होती है। लेकिन शाम की जो आरती होती है ना, वो बहुत अद्भुत और बहुत विकराल होती है, आप उसे मिस मत करिएगा। शाम की आरती में जरूर सम्मिलित होइएगा। हजारों लोग मंदिर के ठीक सामने बैठे रहते हैं और आरती का जो अनुभव रहता है ना, और भोले बाबा के जो जयकारे वहाँ गूंजते हैं, वो सच में एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है। तो उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। बाबा केदारनाथ धाम के आसपास आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मन भी लगता है। पीछे भीमशिला है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। जब केदारनाथ धाम में 2013 में आपदा आई थी तो उसी पत्थर की वजह से मंदिर सुरक्षित रह पाया था। आज उस पत्थर की पूजा भी होती है और उस पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ठीक उसके पीछे अब शंकराचार्य जी की एक समाधि भी बना दी गई है, आप उसे भी देखने जा सकते हैं। यात्रा को पूरा कैसे किया जाए, सिर्फ केदारनाथ धाम में दर्शन करके वापस चले जाएंगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने भी जाना चाहिए। मंदिर के पास से ही भैरव मंदिर जाने का भी एक रास्ता बना हुआ है, 500-700 मीटर का वो रास्ता है। मंदाकिनी नदी के ऊपर एक लोहे का पुल बना हुआ है, उस पुल को पार करके आपको भैरव मंदिर के लिए जाना होगा। भैरव मंदिर से केदारपुरी का एक बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक्सपीरियंस भी एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहता है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपकी केदारनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। बात बजट की करते हैं तो बजट मिनिमम एक व्यक्ति का करीब, अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं हरिद्वार तो फूड एकोमोडेशन और बस का किराया लगाकर करीब 5,000 के आसपास एक व्यक्ति का खर्च हो सकता है। बाकी डिपेंड तो आपके ऊपर ही करता है, आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने एक मिनिमम बजट आपको बताया है, कम से कम आप बजट में, कम से कम खर्चे में आप कैसे केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं उसका प्रोसीजर बताया, साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी बताई हैं, कुछ टिप्स भी दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ आपके लगभग सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करके जाइएगा। कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा सभी लोग। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।